Okay students, today our topic is probability. What is probability? Probability means it can be happen or it can be not happen. मतलब यहाँ पे हम किसी चीज के होने का संभावना देखते हैं कि क्या ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं हम कि इट कैन बी हैपन एंड इट कैन बी नॉट हैपन, राइट. तो सपोज है हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वी आर टॉसिंग ए कॉइन. अब वो जब टॉस करेंगे कॉइन तो वहां पे हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना. जैसे सपोज दैट कभी कभी आप देखते हो कि बरसात का मौसम हो रहा है तो आप कहते हो कि भाई बरसात हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. तो जब या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो इस क्रिकेट मैच में इंडिया विन होगी या ऑस्ट्रेलिया विन होगी. तो जब हम किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करते हैं तो उसी से हम क्या होता है, किसी चीज़ के होने की संभावना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, राइट. प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला चलता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या हम बोल सकते हैं हैपन इवेंट, हैपन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हैपन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. ये ओनली वन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का. अब डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी मैं आपको सिखाऊंगा. डाइस की प्रोबेबिलिटी मैं सिखाऊंगा. डाइस की कैसे, कि एक डाइस हमारे पास है, अगर उस डाइस को हम थ्रो करें, उस डाइस को हम थ्रो करें तो उससे वन आने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिक्स आने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, फाइव आने की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे. कॉइन की प्रोबेबिलिटी हम सीखेंगे, देन डाइस, डाइस की प्रोबेबिलिटी हम सीखेंगे, देन कार्ड्स, देन बॉल्स, देन जनरल प्रोबेबिलिटी जो होती है उनको हम सीखेंगे, राइट. तो एक ही फॉर्मूला चलता है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हैपन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. इज दैट क्लियर. मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज को कि कोई चीज हो भी सकती है कोई चीज नहीं भी हो सकती है. तो कितना हो सकती है, कितना उसके होने की संभावना है और कितना उसके नहीं होने की संभावना है, उस पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट है. अब प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट बात आती है कि भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है. इस पे बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो वन, जीरो से लेके वन, जीरो या जीरो से बड़ा, वन या वन से छोटा. मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन के बीच में हो सकती है. जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और जीरो और वन के बीच में. ना तो जीरो से कभी छोटी हो सकती और ना कभी वन से बड़ी हो सकती. इज दैट क्लियर. अब बात करते हैं कहां पे, पहले लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन एंड वन. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, अगर प्रोबेबिलिटी है कोई तो उसकी वैल्यू या तो जीरो से बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या तो जीरो हो सकती है जीरो से बड़ी, या वन हो सकती है या वन से छोटी. ये बात याद रखना. इज दैट क्लियर. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी, या वन होगी या वन से छोटी. इज दैट क्लियर. कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है. आगे चलते हैं. अब कहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, अब आगे सुनना बेटा, कहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और कहां पे प्रोबेबिलिटी वन होती है. अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, सपोज दैट कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है. जैसे सपोज लेट्स आई एम गिविंग वन एग्जांपल, सपोज दैट यू आर थ्रोइंग ए डाइस. आप एक डाइस है आपके पास, सपोज दैट आपके पास एक डाइस है एंड यू आर थ्रोइंग दैट डाइस. एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हो
और आपको मैं कह दूं उस पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या उस पे 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस पे 8 होता ही नहीं, उस पे 7 होता ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? एक डाइस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस 7 इज 0। क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 0। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि भाई सपोज दैट एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आए, लेकिन मैं हेड और टेल नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और वो कॉइन पे नंबर 5 आ जाता है, तो नंबर 5 तो होता ही नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, ऐसे ही सपोज दैट हमारे पास एक बैग है, उस बैग में रेड कलर की बॉल है और ब्लू कलर की बॉल है। एक बैग है हमारे पास, सपोज दैट ये बैग है, इस बैग में रेड कलर की बॉल्स हैं और ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने इस बैग में से मुझको व्हाइट कलर की बॉल निकालनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम्स व्हाइट कलर बॉल, व्हाइट कलर बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स व्हाइट कलर बॉल। तो जब इस बैग में व्हाइट कलर की बॉल है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट कैन बी नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता, तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। इज दैट क्लियर? वहां पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आई ये बात? कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कहां पे 0 हो सकती है? जहां पे कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो, वो हो ही ना सकता, ठीक है ना, दैट इज प्रोबेबल, दैट प्रोबेबिलिटी इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी? 0 रहेगी, ये बात याद रखना। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, कहां पे प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कहां पे प्रोबेबिलिटी 1 होती है? एक डेफिनेट इवेंट में या सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। जैसे इसी बैग को ले लेता हूं, यहां पे जो बैग है, इस बैग में टोटल रेड कलर की बॉल है, जितनी भी बॉल्स है सारी किस कलर की बॉल है? रेड कलर की बॉल। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक बैग है, उस बैग में से मैंने कौन से कलर की बॉल निकाली? रेड कलर की बॉल। विच कलर बॉल? रेड कलर बॉल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम से रेड कलर बॉल? टोटल जो बॉल्स है उस बैग में, कैसी बॉल्स है? सभी की सभी रेड, ऑल बॉल्स आर रेड कलर बॉल, और मैं रेड कलर की बॉल्स निकाल रहा हूं उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास, मेरे हाथ में जब मैं बॉल निकालूंगा वो रेड कलर की बॉल ही आएगी? तो डेफिनेट इवेंट, भाई रेड कलर की बॉल है, रेड कलर की हमें निकालनी है, तो डेफिनेट रेड कलर ही आएगा, तो इट इज ए डेफिनेट इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। इज दैट क्लियर? सपोज दैट, एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, सपोज दैट एक कॉइन है, ये कॉइन ले लेते हैं, ओके, अब इस कॉइन पे क्या करते हैं, इस कॉइन में क्या करते हैं, वो आपने मूवी देख ली है ना सोने, उस मूवी की तरह है, इसमें दोनों तरफ हेड है, इस कॉइन में दोनों तरफ हेड है, राइट है, अब इस कॉइन को हम टॉस करते हैं, भाई इस कॉइन के दोनों तरफ क्या है? हेड है, सपोज दैट, अब हम उसको टॉस करते हैं, टॉस करते हैं तो उस पे हेड आ गया, तो उस हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, बिकॉज इट इज डेफिनेट इवेंट, बट दोनों तरफ हेड है तो डेफिनेट हेड ही तो आएगा, दैट्स ऑल, तो डेफिनेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये बात क्लियर? तो कहां पे प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। Is that clear? अब आगे चलते हैं, यहां तक ये नोट कर लीजिए,
ओके सो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का हैपन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैपन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइंस कॉइंस सबसे पहले वन कॉइन लेता हूं वन कॉइन व्हेन वी विल थ्रो वन कॉइन अब सपोज दैट कोई मैच हो रहा है क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहां पे कौन सी टीम बैटिंग करेगी कौन सी टीम बॉलिंग करेगी कौन डिसाइड करता है कॉइन को टॉस करते तो करते हैं हम एक कॉइन को टॉस करते हैं कैप्टन उसमें अगर जिस कैप्टन की कॉल होगी हैंड और उसका हैंड आ गया तो वो डिसाइड करेगा कि वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा इज दैट क्लियर तो कौन डिसाइड करते कैसे डिसाइड होता है कॉइन को टॉस करके तो क्यों करते हैं कॉइन को टॉस आपने कभी सोचा कि जब मैच शुरू होने से पहले दोनों कैप्टन आते हैं और दोनों कैप्टन एक कॉइन को टॉस करते हैं क्यों क्यों करते हैं टॉस कॉइन को ही टॉस क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें दो इक्वली इवेंट होते हैं इक्वली लाइकली बता दूं कि वहां पे हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटीज हाफ हाफ होती है हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है राइट पॉसिबिलिटी हाफ हाफ है जो जीत जाएगा वही डिसाइड करेगा कि उसको बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है तो इसलिए क्योंकि हेड और टेल आने की जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर हेड या टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है 50% उस पर हेड आ सकता है 50% उस पर टेल आ सकता है ठीक है तो इसलिए एक मैच को शुरू होने से पहले क्या करते हैं हम कॉइन को टॉस करते हैं इज दैट क्लियर समझ में आ गई ना बात तो जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे सैंपल स्पेस एक नया वर्ड है ध्यान से सुनना सैंपल स्पेस मतलब उसके टोटल आउटकम मतलब क्या आ सकता है क्या हो सकता है अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो क्या हो सकता है या तो कॉइन हेड की तरफ से गिरेगा या कॉइन टेल की तरफ से गिरेगा राइट ऐसा तो है नहीं कॉइन जब हम आप उछालोगे तो वो कॉइन ऐसे सीधा रह जाएगा ऐसे तो सीधा रहने का नहीं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको गिरना ही होगा उसको कोई ना कोई इवेंट देने ही होंगे तो क्या आउटकम आ सकता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है तो अब मैं यहां से क्वेश्चन रेज करता हूं यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम्स ए हेड व्हेन वी टॉसिंग ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ध्यान से सुनना व्हेन वी आर टॉसिंग ए कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कम्स ए हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स हेड क्या फॉर्मूला बताया था हैपन इवेंट या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो यहां पे हैपन इवेंट क्या होना चाहिए हेड आना चाहिए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी वन हेड कितना है वन और टोटल इवेंट कितने हैं टू तो कितना आया वन बाई टू ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स टेल तो वन टेल है वन अपॉन टू दोनों बराबर है ना दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है इज दैट क्लियर तो इसलिए किसी भी मैच के शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं एक कॉइन को टॉस करते हैं इज दैट क्लियर समझ में आई बात अब आगे चलते हैं एक बात और मैं बता दूं आपको जैसे सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जितने भी एक इवेंट है उसमें टोटल आउटकम क्या है एच या टी है भाई एच या टी आ रहे हैं तो एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनको ऐड करके देखो
वन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना आ गया वन। तो जितने हमारे इवेंट है, एक जो हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं उसमें जितने इवेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए वन। सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज वन, इज दैट क्लियर। तो यहां पे पॉसिबल इवेंट एस था और टेल था, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1 बाय 2, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 बाय 2, अगर दोनों को हम ऐड करें तो 1 आए। इज दैट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉइंस 3 कॉइंस। ओके, थैंक यू।